ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने एक खास मुलाकात में कहा कि भाजपा पच्छाद और धर्मशाला इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए पहले से ही तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के मेहनत के कारण और जनता के आशीर्वाद से भाजपा दोनों स्थानों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने धर्मशाला व पच्छाद दोनों जगहों पर युवा व पढ़े लिखे उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने एक खास मुलाकात में कहा कि भाजपा पच्छाद और धर्मशाला इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए पहले से ही तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के मेहनत के कारण और जनता के आशीर्वाद से भाजपा दोनों स्थानों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने धर्मशाला व पच्छाद दोनों जगह पर युवा व पढ़े लिखे उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में माना कि कांग्रेस का अपना कैडर वोट है और कांग्रेस को अपना कैडर वोट तो पड़ेगा ही, लेकिन कांग्रेस को आम वोट नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आम वोटर ही पार्टियों को जिताता है। उन्होंने कहा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है और भाजपा यहां से जीतेगी। कांग्रेस के नेता बौखलाहट में हैं। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेसी नेता मानसिक संतुलन खोकर बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा नेताओं को जनसभाओं में मिल रहे भारी जनसमर्थन से कांग्रेस नेताओं की नींद उड़ी हुई है। कांग्रेस दोषारोपण से चुनाव जीतना चाहती है। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में कार्य कर रही है तथा कांग्रेस के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस ने विकास की जगह भ्रष्टाचार किया तथा जनता को गुमराह कर राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस जो अफवाहें फैला रही है वो उपचुनाव में उनकी हार की बौखलाहट है। कांग्रेस हमेशा ही विकास विरोधी रही है। पच्छाद बीस क्षेत्र में जो विकास हो रहा है कांग्रेस उसे रोकने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस धर्मशाला व पच्छाद दोनों जगहों पर चुनाव हारेगी। सतपाल सत्ती ने कहा कि भाजपा को नसीहत देने वाले कांग्रेसी नेता अपने अपने कुनबे को संभालें। भारतीय जनता पार्टी पच्छाद और धर्मशाला इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में पहले से तैयारी कर रही थी। सभी कार्यकर्ता और लीडर्स लंबे समय से ये दोनों उपचुनाव जीते जाए उसकी काम में लगे हुए थे और अभी जब भी रिजल्ट आएंगे मैं ये मान करके चलता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण और हमारे जनता के आशीर्वाद के कारण भारतीय जनता पार्टी दोनों स्थानों के ऊपर इस चुनाव को जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों स्थानों के ऊपर पढ़े लिखे नौजवानों को टिकट दिया है। पोस्ट ग्रेजुएट दोनों हमारे प्रत्याशी हैं। जो समाज चल रहा है, जिस तरह का जमाना आ रहा है, उसमें पढ़े लिखे और नौजवानों की बहुत ज़रूरत है और ईमानदार लोग हैं दोनों पार्टी के, लंबे समय से कार्यकर्ता हैं, तो इनको लेकर के हम क्षेत्र के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सभी कार्यकर्ताओं का जो मानना है कि भारतीय जनता पार्टी धर्मशाला और पच्छाद दोनों सीटों को जीतेगी। क्या मार्जिन, कितना मार्जिन लेकर चलते हैं? मार्जिन हम लोगों ने अब की बार 20,000 के पार का नारा दिया है और ये हम लोगों ने प्रदेश सरकार के कामों को देख करके और केंद्र सरकार के कामों को देख करके हम लोगों ने जो नारा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब एमपी का चुनाव हुआ था तो 18,000 की लीड हमारी धर्मशाला से आई थी और 16,021 की लीड हमारी पच्छाद से आई थी। तो कांग्रेस को कहीं मानते हैं खड़ा? हाँ, कांग्रेस का कैडर वोट है, हम जो मान के चलते हैं कांग्रेस को कैडर वोट तो पड़ेगा ही, कांग्रेस को लेकिन आम वोटर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आम जो वोटर होता है वो पार्टियों को जिताता है, जिसको हम कई बार जागरूक वोटर भी बोलते हैं, फ्लोटिंग वोटर भी बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी का एक अपना कैडर वोट है, वो कैडर वोट कोई भी प्रत्याशी हो वो आता ही है। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि अल्टीमेटली फाइट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होगी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत करके जाएगी।